श्री राधेश्याम श्री गुरुभ्ये नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमांग दिव्यम सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। भावराधिका माधुरी आस्वादन सुख काज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजरा निताय गौर सीतनाथ प्रेमनंदे हरि 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 बोल। तो आप सभी सुमेधा वैष्णव एवं सुधी वैष्णवी स्त्रोत्रिवृंद के चारों चरणारविंद में सादर वंदन एवं हृदय से स्वागत है आज के गौर भागवत कथा सत्र में। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र कलियुग में प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं और हमारे आचार्यों ने लिखा है यदि गौर न है तो तबे की है तो केमन धरितां दे। बड़ा प्यारा पद है वासुदेव घोष ने लिखा है राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के यदि गौर न है तबे की है कि मन धरी ताम दे। राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ लव। राधा रानी का जो प्रेम है उसका महिमा, और दूसरा क्या है मधुरिमा, स्वीटनेस, राधा रानी के प्रेम की मिठास, और तीसरा राधा रानी मेरे प्रेम में क्या रियलाइज करती है, क्या अनुभव करती है। तो इसी बात को जानने के लिए श्री कृष्ण राधा रानी का हृदय देते। एक छोटी सी लीला से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। गोलोकेश्वरी राशेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री विश्वानुनंदिनी दिव्य धाम गोलोक के वृंदावन के निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर के इंतजार में उनके स्मरण में झूले पर खोई हुई है ललिता विशाखा, उसे झूला झूला रहे और इंतजार हो रहा है आनंद घन प्राण जीवन घन प्यारे श्री श्याम सुंदर का। तब तक प्रभु पधारे और ललिता विशाखा से कहा कि हटिए। ललिता जी ने कहा विराजिए प्रिया जी के संग में। तो श्याम सुंदर ने कहा नहीं, आज हम सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे आप? बोले स्वामिनी जी की सेवा में हमें सुख मिलता है, तो आज झूला को झोंका हम देंगे। झोंका मतलब झूला ने धक्को, झूलो हूं झूला। जिससे भगवान कहते कि मैं प्रिया जी को झूला झुलाऊंगा, और तो फिर आगे से झुलाएंगे कि पीछे से? भगवान ने कहा उनका मुख देखे बिना भी तो जिया नहीं जाता, इसलिए हम आगे से ही झूला। ललिता विशाखा साइड से झूला रही थी, कभी कभी सखिया पीछे से धक्का देती है, लेकिन जो अपने जन होते हैं ना वो सामने से भी कौशल होते हैं,
भगवान तो सब कला में कुशल है, अखिल कला गुरु, भागवत में भगवान के विषय में शब्द आया है कालिया दमन प्रसंग में, तो भगवान झूला झुलाने लगे। और उसी समय प्रिया जी ने कहा कि प्यारे बड़ी करुणा की डिंग हाँकते हो, आपने आज तक जीवों को कुछ भी दिया है क्या? भगवान ने कहा मेरा नाम ही विश्वंभर है, विश्वात्मा है, जगन्नाथ है, जगदीश्वर हूं, हमसे ही तो पालन पोषण पूरे ब्रह्मांड का हो रहा है। राधा रानी ने कृष्ण का क्या कहते हैं कटाक्ष में प्रेम में मजाक करते हुए कहा कि नहीं नहीं केवल नाम है आपका करुणा सागर, करुणा सिंधु, करुणा है नहीं। अरे ऐसा कैसे कह सकती हो आप? तब राधा रानी ने कहा कि आज तक आपने अपने भक्तों को जो कुछ भी दिया है फ्री में कुछ नहीं दिया है। बेचारा ध्रुव भूखा प्यासा 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा रह के तप किया, तो कुछ दिया एक छोटा सा ध्रुव, और उसमें भी नाम तो आपका हो गया, पूरी दुनिया में आपकी वाह वाह हो रही है। जब भी भागवत होती है भक्त लोग यही कथा कहते थे कि भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, ध्रुव महाराज को एक बार दिया, और गिनती बार 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 आपके ये चले लोग करते ही रहते कि दिया दिया, ऐसे तो दिया नहीं, एक ध्रुव को दिया, उसके बाद कोई डाक कोई कोई एग्जाम्पल है अमेरिका में किसी को दिया? ध्रुव लोग एक ही ध्रुव लोग है, दूसरा ध्रुव लोग ही नहीं। अब एक भगत को दिया और हजारों बाप के युगों से आपके भगत यही कथा झाड़ते रहे। भगवान ने नीचे देखा, बोले बात तो सही है। बोले कोई भी व्यक्ति कुछ तप किया, कुछ जप किया, तब आपने दिया, और उसमें भी आपका नाम ज्यादा हो गया। वाहवा तो आपकी, आप अपनी वाहवा कराने के लिए देते हैं। भगवान ने कहा जो भी हो लेकिन देते तो है। बोले नहीं, आप आपके पास जो है उसमें से तो कुछ भी नहीं देते, 0.01% भी नहीं होता, क्योंकि आप तो अनंत ऐश्वर्य के अधिपति हैं, और अनंत ऐश्वर्य आप में नित्य नवीन बढ़ता रहता है, तो आपका तो कुछ घटने वाला है नहीं। आप मानो कुछ भी देते भी हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका तो 0.0 क्या हजारों 0.1% भी नहीं दे रहे हो, और आपका तो बढ़ता रहता है और आपकी वाह वाह बढ़ती रहती है, इसलिए जाइए नाम चेंज करिए अपना। भगवान ने चरणों को पकड़ते हुए कहा, चरण ऐसे तो झूला ऐसे झूला रहे थे, तब तक भगवान ने चरणों को छूते हुए कहा कि बस करो हमारी खिंचाई, चलो। राधा रानी ने कहा कि इस बार है ना आप कुछ विशेष करिए, सही रूप में असली वस्तु दुनिया को दीजिए, खास करके अपने भक्तों को। आप भक्तों को ज्यादातर दे दिया तो धन दे दिया, या तो फिर ऐश्वर्य दे दिया, फेम दे दिया, आपके सच्चे भक्त तो ये चाहते नहीं है, फिर उसको पचा पाते ऐसे भक्तों की आप परीक्षा लेते हो और फिर भी उसको आप देते हो और बहुत बहुत करते हो, तो क्या करते हो? अपने विरह में रुलाते हो अपने प्रियजनों। इसलिए श्याम सुंदर आपकी ज्यादा बातें करने लायक है नहीं, हमें आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप चाहती क्या हो प्रभु प्रिया जू? तब राधा रानी ने कहा कि आपके गोलोक वृंदावन का असली धन है प्रेम, हरि नाम प्रेम, व्रज का रास का रस आज तक दिया किसी भी अवतार में? भगवान ने कहा ये तो कैसे दे हम, कैसे दे क्या, करुणा सिंधु बन रहे हो तो जाओ और दो। बोले वो तो आपके पास है, ये तो मेरा प्रेम, ये मेरा रस, ये मेरा रास, ये सब का खजाना का चाबी तो हे स्वामी हे ब्रजभानुनंदिनी आपके पास, तो आप जब तक कृपा नहीं करोगी हम पर तब तक हम कैसे दूसरों को दे पाएंगे? इसीलिए इस बार हमने सोचा है हम आपकी शरण में है, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको झूला झूला रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, जगन्नाथ कृष्ण कह रहे हैं कि आपका हृदय हमें दे दो, आपका हृदय हमें दे दो। क्यों? क्योंकि ये जो कृष्ण प्रेम रस है ना वो आपके हृदय में है। और बात भी सही है, राधा रानी का रोम रोम हृदय कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, अलादीनी शक्ति है। तो बोले मेरा आनंद, मेरा प्रेम, मेरा रस, ये सब आपके हृदय में है,
और इसीलिए ये अगर मुझे जीवों को देना है तो मेरे पास तो है नहीं, आपके पास, तो आप अपना हृदय दे और आपका हृदय लेकर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, तब मैं ये वस्तु प्रेम रस दे पाऊंगा। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र तप जप करते रहते हैं, निर्वाण को, मुक्ति को, ब्रह्म सायुज्य आदि को प्राप्त करते रहते हैं, शास्त्री सालोक्य सामिप्य ब्रज में वैकुंठ में मुक्ति तक पा जाते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति रस की ज्ञान ही नहीं है इन लोगों को। जगत जानता ही नहीं है कि राधा रानी के हृदय का प्रेम रस क्या है, कृष्ण सौंदर्य माधुर्य में राधा रानी क्या सुख विलास रियलाइज करती है, दे डोंट नो, जानते ही नहीं। और इसलिए मुझे ये आप दुनिया के प्रेमी भक्तों को देना है, तो आपका हृदय हमें दे दो। करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा की अथाह समुद्र किशोरी। कीर्तिदा कुमारी ने अपना हृदय श्याम सुंदर को देने के लिए तैयार, लेकिन हमारे प्रभु जी की एक दूसरी कमी आप सब जानते हो, टेढ़े सरकार की, इस बंसी वाले की, हमारे गुजराती माँ जैसे आंगली आप है ना तो पहुंचो ली। भगवान ने क्या किया, राधा रानी ने हृदय देना स्वीकार किया, तो राधा रानी का हृदय का हृदय तो ले लिया कृष्ण ने, ताकि करुणा डबल हो जाए और ये राधा रानी के हृदय का कृष्ण प्रेम रस माधुर्य जीवों को दे सके, कलयुग के जीवों, लेकिन कलर भी चुरा लिया। ये तो बोला नहीं था, हृदय देने को कहा था, राधा भाव धुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कविराज महानुभाव ने चैतन्य चरितामृत के बिगिनिंग में मंगलाचरण में चैतन्य अवतार का तत्व निरूपण करते हुए स्तुति में ये शब्द दिया, राधा भाव धुति। भाव मतलब राधा रानी का हृदय का भाव ले लिया, वो तो राधा रानी से परमिशन से लिया, और किशोरी जी ने हम भक्तों को देने के लिए कृष्ण को दिया, ओके। लेकिन द्युति मतलब कलर, राधा रानी का शरीर का गोरापन कांति कृष्ण ने चुरा। देखो भाई, चोरी की आदत एक बार लग जाती है ना छूटती नहीं, इनको कृष्ण को चोरी चोरी की आदत तो है, माखन चुराते, वस्त्र चुराते, कलयुग में सन्यासी बने फिर भी चोरी नहीं छोड़ा गौरांग ने, कलर चुरा लिया हमारी प्रिया जी का, राधा रानी का, तब तक अंचन गौरांगी। तो राधा रानी का हृदय का भाव और राधा रानी के शरीर का वर्ण कलर, ये दो लेकर कृष्ण क्या बने, गौर चैतन्य। तो हम आपको ये लीला का स्मरण करा रहे हैं, इस बात को श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य इस होलीनेस गौर गोविंद महाराज बढ़िया से बताते थे अपने प्रवचनों में। आपने इस बुक्स को पढ़ा या सुना हो या कभी, तो मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, और भी बहुत सारी स्टोरियां है इस तरह की, लेकिन हम आज बिगिनिंग में जब शुरुआत कर रहे हैं गौर भागवत की, चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य भागवत की, तो उसका विशेष वस्तु गोलोक वृंदावन का लीला संबंधित एक जोड़ एक कनेक्ट कर रहे योगपीठ से, कि इस तरह भगवान ने निर्णय किया कि कलयुग के जीवों का परम कल्याण करना है। कल्याण तो करता रहता हूं, लेकिन परम कल्याण है कृष्ण प्रेम दान, तो इसलिए उन्होंने राधा रानी की हेल्प ली, उसका कलर लिया, उसका हृदय का भाव लिया, और स्वयं भी उस रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए भक्त भाव, भगवान होते हुए, कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी भाव भक्त का स्वीकार करके आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल गंगा नदी के तट पर श्री धाम मायापुर से जगन्नाथ मिश्र और सुची उदर से गोल्डन इनकार्नेशन सुवर्ण अवतार प्रकट हुआ। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरा विश्व चैतन्य के तत्व को, लीला को सुनकर गाकर प्रेम भक्ति लाभ कर रहा है। इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य भी कि राधा रानी की महिमा अगर चैतन्य प्रकट नहीं होते तो पूरा वैष्णव जगत जाने बिना रह जाता। कौन जानता था चैतन्य अवतार के बिना, संप्रदाय थे रामानुज श्री निम्बार्क रुद्र, ये सब संप्रदाय, उनके आचार्य, उसमें बहुत सारा तत्व ज्ञान सिद्धांत अद्वैतवाद शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत बहुत बातें हैं सब, लेकिन व्रज का प्रेम
राधा रानी के हृदय के रस पता ही नहीं दुनिया में, ये तो गौड़ी है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके आश्रित गोस्वामी गणों की कृपा से आज पूरा विश्व इसका लाभ ले रहा है। तो चैतन्य अवतार के विषय में वर्णन है, निज गुढ़ कार्य तुमार प्रेम आस्वादन, अनुसंगिक कार्य कैल त्रिभुवन घन। ये बहिरंग कारण है कि युग अवतार हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, लेकिन मूल कारण है कि वो स्वयं राधा हृदय से कृष्ण प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते, इसलिए कृष्ण चैतन्य बने राधा रानी का हृदय और भाव ले। इस बात को हम सब भक्तों को बिगिनिंग में पता होना चाहिए, आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हम इसका श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, हमारे चित्त को निर्मल करने के लिए, हमारे मन से कामना वासना को दूर करने के लिए। फिर ये श्लोक लागू होता है, अनर्पित चरिम अचिरात करुणया अवतीर्ण कलो। कलयुग में करुणा डबल हो गई कृष्ण में, एक तो अपनी करुणा सिंधु थी और दूसरी राधा रानी की करुणा ले ली, हृदय ले लिया, और इसीलिए कलयुग में ये अवतार महावदान्य स्वरूप को धारण किया। तो सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, कृष्ण मूल स्वयं है और राम नरसिंह वरादि अवतार भी लेते रहते हैं, लेकिन इस सब अवतार या अवतारी का निचोड़ सार क्या है, ऐसे वह है ये चैतन्य अवतार, जिस अवतार में उन्होंने इस दिव्य कमाल को किया। हमारे आचार्यों ने कहा है, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी चार, ब्रजेर युवती भावेर भक्ती। कौन जानता था ब्रज की युवतियों की ये भाव प्रेमा भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने विश्व के वैष्णवों के लिए इसको उसका उद्घाटन किया, इस रहस्य को सामने लाया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की करुणा कृपा हम सब भक्तों को प्राप्त हो और उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके हम प्रेम भक्ति पद तक पहुंच सके। इसलिए हम भक्त लोग इस सूक्ष्म अल्प प्रयास कर रहे हैं, ये गौर पूर्णिमा उपलक्ष में चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत अन्य अन्य भक्तों के मुख से सुनने का। तो आइए चैतन्य चरितामृत जिसके लेखक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और चैतन्य भागवत जिनके रचयिता है वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास के अवतार हैं, और भी ग्रंथों में इसकी लीला है, लेकिन मुख्य इन दो ग्रंथों का आश्रय लेकर हम कुछ चैतन्य कथा गौर गाथा गाने का प्रयास करेंगे। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन किया है, कृष्णदास कविराज रसिक भगत माझ इहो कैल चैतन्य चरी। कविराज कैसे भक्त है, बोले रसिक भक्त है, रसिक भक्तों के राजा है, रसिक भक्तों के बीच में कृष्णदास कविराज की गणना होती है, उसका नाम उसमें जॉइंट होता है रसिक भक्तों में। और उन्होंने क्या लिखा है, बोलो ना, उन्होंने गौर लीला लिखा है चैतन्य चरितमानस। तो ये सुनने से क्या होगा, तो नरोत्तम दास प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं, गौर गोविंद लीला सुनये गलये शिला। गौरांग महाप्रभु के गुण इतने मधुर है, इतने सरस है, इतने सरल और सुंदर है कि गलये शिला, पत्थर भी पिघल जाए, पत्थर जैसे भी क्या कहें, पत्थर जैसे, पत्थर खुद पिघल जाए तो पत्थर जैसे भी पिघल जाएंगे। जैसे लोचनदास ठाकुर ने उस पद में कहा है, पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनियार गुण गाथा, भजो भजो भाई चैतन्य निताय। अनेक भक्तों ने इस बात को स्पष्ट कहा है। तो गौरांग महाप्रभु के गुण इतने करुणा से कृपा से प्रेम से भरे है
कि इनका श्रवण कीर्तन करने वाला साधक प्रेम से पिघल जाएगा, उसके अंदर से कठोरता निकल जाएगी, करुणा भर जाएगी, उसके अंदर से वासना निकल जाएगी, उपासना आ जाएगी, उसकी उपाधि चली जाएगी, समाधि हो जाएगी, उसके सारे कष्ट दुख कलमश चले जाएंगे और वो प्रेम रस में मस्त रहे। कौन व्यक्ति? जो गौर गुणों को गाएगा, गौर गुणों को सुनेगा। बड़ा प्यारा शब्द है, हमको याद, हमको दिल को छूटा है। मैं आशा रखता हूँ भक्तों को भी ये सुख या पसंद, सुख देगा होगा या पसंद पड़ता होगा। किसका शब्द? नरोत्तम का। गौर गोविंद लीला सुनये गलये शिला, शिला मतलब पत्थर भी गल जाते हैं, लेकिन वो कहते ताहा नाहिल मोरची, फिर भी मैं इतना अभागा हूं कि पत्थर भी पिघल जाए ऐसे प्रेम करुणा से भरे चैतन्य के गुण गाकर मेरे चित्त में कोई उल्लास नहीं आता, ना तो सुनता हूं ना सुनने का मन होता है, ये है मेरा अभाग्य दुर्भाग्य। ये प्रेमी वैष्णव है ऐसा है नहीं, लेकिन दैन्यवश ऐसा कह रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों में ये दशा हो सकती है, क्योंकि हमारे उनका दैन्य है लेकिन हम लोगों के लिए सत्य है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद गुरु वैष्णव कृपा से कुछ कुछ सौभाग्य हम भक्तों का भी उदय हुआ है कि हम लोग इसको सुन रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में हिमालय पर्वत है और हिमालय के दक्षिण भाग में विंध्याचल पर्वत की जो पर्वतहारमाला है, वो जो क्षेत्र है, उसे गौड़ देश कहा जाता है। आप सब लोग गौड़ीय गौड़ीय बहुत बात बोलते हो ना, हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा उसका भी रस आस्वादन व्याख्या किया जाए। भारत वर्ष में पंच गौड़ है, पंच गौड़ा प्रभु है ना, प्रभुपाद ना, पंच गौड़ देश उनके नाम दिए, सारस्वत कान्यकुब्ज जो लक्ष्मणावती नगरी कहा जाता है, मध्य गौड़ अर्थात बंगाल, हमारा जो स्टेट के हिसाब से आप समझोगे बंगाल क्षेत्र, मिथिला उसके पूर्व वाला, मिथिला मतलब जनक महाराज की नगरी, नेपाल की और बिहार की कुछ जगह स्थान, और उत्कल जगन्नाथपुरी का जो ये समुद्र है उत्कल उड़ीसा। इसलिए पहले प्रभुपाद के इस्कॉन प्रचार के पहले चैतन्य महाप्रभु के दो ही भक्त थे, एक उड़िया और एक गौड़िया, एक गौड़िया एक उड़िया। गुजराती लोग को तो पता ही नहीं था, लेकिन पहले या तो उड़ीसा, उड़ीसा मतलब जगन्नाथपुरी के भक्त होंगे जो महाप्रभु को जानते थे, लीला सुने पड़े थे बचपन से, और दूसरे बंगाल के, तो बंगाल के भक्तों को गौड़िया कहते हैं और उत्कल क्षेत्र के भक्त को उड़िया कहते हैं, उड़िया और गुड़िया। हम लोग गुजराती दोनों बीच वाले हैं, ये प्रभुपाद की कृपा है और हेतु की और कुछ नहीं वैष्णव। तो ये जो उत्कल क्षेत्र है वो भी, लेकिन उड़ीसा क्षेत्र के कारण उसको उड़िया उड़िया कहते हैं। ये पंच गौड़ प्रदेश है, हिमालय से विंध्याचल पर्वत की जो धारा है जगह है उस बीच के क्षेत्र को गौड़ कहते हैं। इसीलिए उसमें वास करने वाले, आध्यात्मिक चेतना रखने वाले, भक्ति करने वाले भक्त को गौड़ीय कहते हैं, एक कारण। दूसरा बंगाल, बंगाल गौड़ देश विषय, क्योंकि गौड़ इस तरफ भी गौड़ इस तरफ भी गौड़ मध्य में आता था उड़ीसा के पहले और इधर हिमालय के बाद, मतलब ये नेपाल और इस तरह से बिहार के बाद, तो इसलिए इसको बंगाल के भक्तों को विशेष गौड़िया कहा जाए। और एक बात आपकी जानकारी के लिए कि हम मध्व संप्रदाय से, श्रीपाद मध्वाचार्य वायु अवतार, तो ये मध्वाचार्य का भी एक नाम संन्यास, जब आनंद तीर्थ उसका पूर्व नाम था, तो वो मध्वाचार्य का पूर्ण गौड़ानंद उसका नाम था, इसलिए उस संप्रदाय मध्वाचार्य के फॉलोअर को भी गौड़ीय कहते हैं, क्योंकि गौड़ परमानंद उनका नाम था मध्वाचार्य का, एक और नाम, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप समझे। लेकिन हम गौड़ देश में है बंगाल में, इसलिए गौड़िया, मद्रास मध्व संप्रदाय से उनका नाम गौड़ परमानंद था इसलिए गौड़िया, ये सब फिर भी गौण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को आज पूरा वैष्णव संप्रदाय गौड़ीय नाम से जानता है,
बंगाल के है इसलिए नहीं, मध्वा के है इसलिए नहीं, चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में जन्म लिए और हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, संकीर्तन को विशेषकर, भक्ति को, व्रज भक्ति को। इसलिए श्री संप्रदाय वाले या राम और कोई भी संप्रदाय वाले या कोई भी भक्त, हम भक्तों को गौड़ीय कहते। तो मूल रूप में गौड़ीय कौन है? जो श्री चैतन्य महाप्रभु को मानता है, उसकी दीक्षा शिक्षा फॉलो करता है, वो गौड़ीय है। सीधा सीधा उत्तर है। और हमें गर्व है कि हम गौड़ीय है, हमें हमें प्राइड है, हमें अच्छा लगे कि हम, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग गौड़ीय है। और ये सौभाग्य श्रील प्रभुपाद कहते पूरी दुनिया को हम भक्तों को जगाना है कि सबको गौड़ीय बनाना है, सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ले जाना है। क्यों? क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण है। और कृष्ण अवतार में भी जो कमाल नहीं किया, ये कृष्ण चैतन्य अवतार में किया। कृष्ण अवतार में असुरों को मारा, धर्म की स्थापना की, भक्तों की रक्षा की, ओके, लीलाएं की, ओके, लेकिन प्रेम भक्ति का दान नहीं दिया। और भागवत में तो बोले भी है, मुक्ति ददाति कर्गि चित्स्मन भक्ति योग, मैं मुक्ति दे देता हूं लेकिन भक्ति नहीं देता। और ये कृष्ण ये कमाल चैतन्य अवतार में इसीलिए कर पाए क्योंकि साथ में राधा थी, हृदय राधा का है। ये भक्ति भक्त दे सकता है और राधा रानी सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, जो ये हम लोग बोलते हैं। तो थोड़ा हमने गौड़ीय के विषय में जाना, हम चैतन्य महाप्रभु के इसलिए हम गौड़ीय है। और उसके पहले हमने चर्चा की कृष्णदास कविराज या चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कुछ अतरंग बातों की। और बाह्य तो आप जानते हो, युग अवतार प्रचार करना था, हरिनाम संकीर्तन रस वो भी उन्होंने किया जो कलयुग का धर्म था, लेकिन ये बाह्य बात है, अतरंग बात है। वो खुद कृष्ण प्रेम में ब्रज रस का आस्वादन करना चाहते थे, कराना चाहते थे। तो अनंत चैतन्य लीला शुद्र जीव हैया, कविराज महानुभाव रसिक भक्तों के अंतर्गत जिसका राज राज चलता है, वे क्या कह रहे हैं कि अनंत चैतन्य लीला शुद्र जीव हैया, केवलिते परेता विस्तार करिया। मैं तो एक शुद्र तुच्छ जीव हूं और चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत समुद्र के समान, तो मैं क्या के बोली दे पा रहे, दुनिया में ऐसा कौन है जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है पूर्ण रूप से? कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास करूंगा कि मैं चैतन्य लीला को कह सकूं और अपना शुद्धिकरण कर सकूं। ऐसे विनम्र भाव से कृष्णदास कविराज महानुभाव चैतन्य लीला का शुभारंभ करते हैं। तो बहुत सारी तात्विक चर्चाएं है, सात्विक चर्चाएं है, लेकिन हमें तो मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना है, और वो भी कृष्णदास कविराज के शब्दों को श्रवण कीर्तन करना है, कुछ कुछ उसमें थोड़ा विस्तार समझ जाना है बस। तो चैतन्य चरितामृत में माता पिता धाम उस सबको भगवान पहले प्रकट करते गुरु वर्ग को, और फिर स्वयं आते हैं अवतार लेते। ये भगवान की स्टाइल है, विधि है, प्रत्येक अवतार में ये करते, अपना धाम अयोध्या वृंदावन नवदीप प्रकट करते, माता पिता को प्रकट करते हैं, वशिष्ठ या गर्गाचार्य ऐसे गुरुओं को प्रकट करते हैं, कौशल्या दशरथ देवकी वसुदेव जगन्नाथ मिश्रा सचि, अपने बड़े भाइयों को दाऊ दादा विश्वम्भर विश्वरूप, अब समझ जाए इन सबको पहले, धाम को गुरुवर को माता पिता को सबको पहले प्रकट करते हैं और फिर स्वयं प्रकट होते हैं और फिर उनकी लीलाएं चलती है, और इन लीलाओं से समस्त जगत का मंगल होता है, भक्तों को आनंद होता है। ये सीधी पॉलिसी है चैतन्य अवतार की या किसी भी अवतार की। जगन्नाथ मिश्र वर पदवी पुरंदा, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम आप सभी जानते हैं जगन्नाथ था, मिश्र उसकी सरनेम। ब्राह्मणों में जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, जो वेद वेदांत विद्याओं में और शास्त्रों में पारंगत कुशल एक्सपर्ट होते हैं
और अपने आचरण में खान पान आचार विचार व्यवहार में हाई लेवल शुद्धिकरण जिसका होता है वे मिश्र होते हैं। मिश्रा सरनेम चलती है मिश्रा का मिश्र। ऐसे जगन्नाथ मिश्र पदवी पुरंदर, पदवी मतलब टाइटल। कृष्णदास कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र नाम से पूरे नदिया शहर में गौड़पुर में, मायापुर को गौड़पुर भी कहते हैं बंगाल के क्षेत्र को, तो उसके वो इंद्र थे। पुरंदर, पुरंदर आप सबको पता होगा इंद्र का नाम है। अभी जो स्वर्ग में इंद्र पद पर जो विराजमान है उसका आधार कार्ड का नाम पासपोर्ट में पुरंदर है, पुरंदर। तो वो पुरंदर इंद्र की उपाधि है जो सबको, वहां इलेक्शन नहीं होता ना स्वर्ग में, आप सभी जानते हैं स्वर्ग का सिंहासन जब लगता है तो हमारे यहाँ भारत अमेरिका की तरह इलेक्शन नहीं होता, वहां सिलेक्शन होता है। जो योग्य है उसी को वो अधिकार मिलता है, तो इलेक्शन तो यहां होता रहता। तो ये सिलेक्टेड पर्सन है पुरंदर इंद्रदेव, उस पदवी को प्राप्त किए हैं अपनी अपनी योग्यता के आधार। तो ऐसे ही अपने गुणों से, अपने सरल स्वभाव से, अपने शास्त्रिक विद्वत्ता से, अपने भक्ति के भजन के बल पर पूरा नदिया शहर इनको पुरंदर 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 कहता था। जैसे स्वर्ग में सारे 33 करोड़ देवता इंद्र को पुरंदर 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 कहते थे। तो बड़े प्रसिद्ध थे और प्रेमी थे और सरल थे और सबके चहीते थे, उदार दिल वाले थे जगन्नाथ मिश्र। तो इसका इंट्रो दिया जा रहा है भगवान के पिता का, और जरूर सुनना चाहिए हम भक्तों को। क्यों? क्योंकि पूरे जगत के परम पिता है भगवान, और उनके भी जो पिता है कुछ गुण तो होंगे ना, तभी तो उनके पिता बनने का ये सौभाग्य उन्होंने पाया है। हम सब चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी कृपा चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद जगन्नाथ मिश्र को प्रणाम करते थे, उनसे भक्ति की उनकी भिक्षा मांगते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। और जगन्नाथ मिश्र ने तो दोनों प्रसाद दिया है चैतन्य महाप्रभु, ये वाला आशीर्वाद वाला और ये वाला भी। कहते ना माँ बाप का हाथ का खाना चाहिए, अब चाहे मार हो या रोटी दोनों खा सके ना, माना हाथ में जेने खातो है ने छोकरो संस्कारी हो, पछी माना हाथ नो रोटलो भी हो ने माना हाथ नी समझी गया ना, हरे कृष्ण हरे राम मलो जाए प्रसाद, तभी तो हम ठिकाने पे रहेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र लकड़ी लेकर दौड़ते थे इनके पीछे गंगा तट पर पकड़ के मारने के लिए। पिता है भाई, अपना अधिकार है। हमारे भारतवर्ष में तो ये शोभा है, आपके देश में तो बड़ा खतरा है, केस सू कर देगा तो फिर परेशान हो जाएगा पिता, आप तो छू नहीं सकते। हमारे यहाँ तो बढ़िया से मार लेते हैं पिता लोग, अपना धर्म निभा देते हैं, रिजल्ट आने से पहले ही मारना चालू करते, पता है कि मेरा बेटा एवं परंपरा प्राप्त होगा, तो पहले से ही धुलाई चालू होती है हमारी। तो जगन्नाथ मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम किया है, और महाप्रभु उसे पिता कह के बुलाते थे प्रेम से। और आप जानते हैं उनका श्राद्ध करने भी गया गए है जगन्नाथ मिश्र का, मरने के बाद भी ये प्रेम का प्रतीक है कि बेटा श्राद्ध करने जाता है, इनको कौन याद करता है आज के लिए। तो बहुत बातें हैं लीलाओं में, लेकिन यहाँ पर हम वर्णन सुन रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र वरा पदवी पुरंदर नंद वसुदेव पूर्वे सद्गुण सागर तार पत्नी सची नाम पतिव्रत सती जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। तो नंद और वसुदेव जो गुणों के समुद्र है, नंद महाराज भागवत में जिनका नाम है कृष्ण पिता, नंद नंदन हम कहते हैं, तो और वसुदेव इसलिए कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, ये गुणों के समुद्र थे। तो ये जो मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र, गौरांग मिश्र के पिताश्री जगन्नाथ मिश्र, तो गौरांग मिश्र कहने पर भक्त लोग कभी कभी सरप्राइज, वो किसकी बात हो, चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है गौरांग मिश्र, क्योंकि सरनेम तो बेटे को भी लगेगा ना बाप का।
नंद और वसुदेव के समान सद्गुणों के समुद्र थे। देखो जगन्नाथ मिश्र को उपमा दी गई नंद बाबा की, वसुदेव और गुणों के सागर बता दिए गए, अनंत गुण है, उनकी गुणों की चर्चा लीलाओं में प्रकट होती रहती है। तार पत्नी सची नाम पति व्रता सती, उनकी एक सुंदर भारिया थी ब्राह्मणी कन्या जिनका नाम था सची, जगन्नाथ मिश्र की पत्नी। किसकी बेटी थी? तो जार पिता नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती नाम के बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण उस बामन पुकुर गांव में रहते थे सिमंतीप में, और उनकी दो बेटियां थी, एक सची जिसका विवाह जगन्नाथ मिश्र से हुआ जो चैतन्य महाप्रभु की मां बनी, और एक बेटी दूसरी सची माता की बहन सर्वजया, उसका नाम था सर्वजया, ऑल विक्ट्री, सब जगह जिसकी जय हो। और चैतन्य महाप्रभु क्या लगती हो? मासी, मासी कहते ना मानी मानी बहन ने मासी, तो चैतन्य महाप्रभु की मासी लगती थी सर्वजया। नीलांबर चक्रवर्ती नाम के ब्राह्मण को दो कन्या थी, एक का विवाह हुआ जगन्नाथ मिश्र से सची का, और सर्वजया का विवाह हुआ चंद्रशेखर आचार्य के पास। आप लोग मायापुर धाम गए हो जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने राधा कुंड बनाया, गोवर्धन लाया, उसकी समाधि है, वो जो गौड़ीय मठ है वो चंद्रशेखर आचार्य का घर है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की मासी का घर। बंगला में वहां कहते मोशीरवाड़ी, कोथाई जाबे मोशीरवाड़ी जाबे, मतलब लोगों को पता है, वहां रिक्शा वालों को भी बोलोगे तो सरस्वती गौड़ीय मठ ऐसा नहीं बोला जाता, मोशीरवाड़ी मतलब मासी नहीं, मासी वाड़ी मतलब घर, मोशीरवाड़ी जावे तो मौसी का घर था। बेटे को मजा आता है ना, मासी घर जाऊ गमे, मामा घर है, मासी घर है, सारा हो तो बीजी बात ना हो तो क्या जाऊ पण। ओके, तो ये सर्वजया बड़ी, उसका बड़ा सुंदर, चैतन्य बाबू जितना भी ड्रामा करते थे, चंद्रशेखर आचार्य के घर बहुत संकीर्तन होता था रात रात भर, और ड्रामा होता रहता था, चैतन्य महाप्रभु उसमें रुक्मणी बनते थे, कभी कभी लक्ष्मी बनते थे, क्योंकि है ही वही, तो अवतार वही टाइप का लेते थे और रोल वही टाइप का लेते थे। इसका वर्णन हमारे चैतन्य चरितामृत और भागवत के ग्रंथों में, चैतन्य भागवत में आया है। ओके, अभी तो हम चर्चा कर रहे केवल उनके नामकरण इंट्रो दे रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती वही कौन थे? वो तो हमारे गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर जो शिवानंद सेन के पुत्र है उन्होंने लिखा है कि वे गर्गाचार्य थे, जो ब्रज लीला में गर्गाचार्य नंद के घर गए थे वसुदेव के कहने के कारण कृष्ण बलराम का नामकरण, नाम संस्कार करने के लिए, है ना, वे गर्गाचार्य त्रिकाल तीनों काल, उन्होंने वहां कहा था ना शुक्ल रक्त तथा पीतम इदानीम कृष्ण आगत, हे नंद बाबा तुम्हारा जो ये बेटा है कभी गोरा बन के, कभी हरा बन के, कभी आता रहता है सफेद बन के, अभी काला बन के आया है, आगे ये पीला बन के आए, ये इधर आसन वर्णास्त्रयो उत्तन युगम, ये जो श्लोक है दशम स्कंद के आठवें अध्याय में गर्ग उवाच, कृष्ण का नामकरण करते हुए तो वहां पर आया है ये बात जो अभी हमने बोला कि आगे पीला बनेगा, यही गर्गाचार्य नीलांबर चक्रवर्ती बन के चैतन्य लीला में आए हैं और इनका नाम भी यही रखेंगे, आगे लीला में वर्णन होगा। विश्वंभर निमाय ये दो नाम किसने रखा था? गर्गाचार्य ने रखा, वहां की नारियां गौर हरी करती रहती थी और नीम के पेड़ के नीचे से निमाय, लेकिन विश्वंभर नाम शास्त्रीय नाम पत्रिका देख के कुंडली देख के गर्गाचार्य के अवतार नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा था, और इसको महाप्रभु बहुत याद करते रहते थे कि मेरा नाम विश्वंभर है। प्रभु कहे आमी विश्वंभर नाम धरी नाम सार्थक हो यदि विश्व प्रेम धरी, मेरा नाम तभी सफल होगा जब मैं पूरे विश्व को प्रेम से भर दूंगा, अगर मैं पूरे विश्व को प्रेम से नर भाई नहीं भर पाया तो काहे का विश्वंभर। तो भगवान इस तरह सोच के फिर प्रेम दान करते थे, पति तो पावन हेतु तब अवतार, मौसम पति तो प्रभु ना पाई ब्या, जो इसे पतितों का पावन करने के लिए महाप्रभु अपना नाम सुन सुन के लोगों को प्रेम दान देते थे कि भाई नाम मेरा रखा है तो मुझे सफल करना, जैसा नाम वैसा काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो नाम बदनाम होगा।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु लुटाते रहते थे संकीर्तन रस को। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, आज की प्रथम सत्र चैतन्य लीला का शुभारंभ हो रहा है धीरे धीरे, तो उसमें हम माता पिता की याद कर रहे हैं। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। ये चैतन्य चरितामृत के शब्द जो कविराज के मुख से निकले हैं, जो चैतन्य लीला के हैं, तो इतने शक्ति और भक्ति से भरे हैं कि इनका श्रवण कीर्तन भी हमारे हृदय को प्रेम से भर देगा, हमारे पापों को नष्ट कर देगा। इसलिए बार बार इसको गाना है, सुनना है, आनंद लेना है, और इतना आनंद आए तो आप सो भी सकते हो या चल के जा भी सकते हो, लेकिन यहाँ तो गाया जाएगा, अभी क्या करें। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृत, हम लोग मोटा मोटी बहुत जानते हैं, लेकिन हमें मोटा मोटी कथा नहीं कहना, शब्दों पर विचार करना है, इन गुणों को गाना है भगवान के, भगवान के माता पिता के, उन गुणों का गान श्रवण कीर्तन हमें गुणों से भर देगा। पतिव्रता सती शब्द दिया है, सची माता कैसी थी, बोले पतिव्रता, पति को प्रसन्न करना, पति को सुख देना, उसकी सेवा करना, ये उनका व्रत था। व्रत मतलब प्रतिज्ञा, उसका प्रतिज्ञा था कि मैं पति को प्रसन्न रखूंगी, सुख दूंगी, सेवा करूंगी। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, आज पत्नी व्रता लोग मिलते हैं, पतिव्रता कम मिलता, जो भी हो कोई तो व्रत लिया ही है, अच्छा ही है। पतिव्रता, अभी पत्नी व्रता का फैशन चल रहा है, यही हो कैसे भी हो, पत्नी व्रता हो या पति व्रत, घर में शांति रहना चाहिए, बस उद्देश्य यही है, कोई भी एक व्रत लेने से शांति रहेगा। दूसरा क्या करे, सती शब्द दिया गया, सती नारी थी। सती शब्द का अर्थ बहुत आचार्यों ने अलग अलग किया है, लेकिन सत में जिसकी मति हो वो है असली सती, और सत वस्तु क्या है, भगवान। सत्यम व्रतम सत्य परमम की सत्यम, भागवत कहता है ना, सत्यम परम धीमहि, सत भगवान की लीला, सत्य सच्चिदानंद, उसमें भी सच्चित आनंद, ये सत में जिसकी रति मति गति हो वो है सती। केवल चिता पर जल जाए या किसी भौतिक शरीर में बाह्य लौकिक धर्म निभाते हुए पति को सेवा करे वो भी सती है, लेकिन वो मूल सती नहीं है। असली सती जो भगवान से प्रेम करती है, भगवान की भक्ति करती है, वो है रियल, क्योंकि सत तो वही है, बाकी तो सब असत है। पुरुष हो, स्त्री हो, पति हो, पत्नी हो, घर हो, ये सब असत है, तो सती टाइटल कैसे सिद्ध होगा। तो सत्य वस्तु है भगवान, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, और उसमें जिसकी मति है वो है सती। यहाँ पर ये शब्द आचार्यों ने अर्थ किया है, और सची माता का सौभाग्य यही था कि उसका तो बेटा ही सच्चिदानंद स्वयं श्री कृष्ण है, और उनके पति भी इटर्नल है, मरने भरने वाले, बदलने बदलने वाले नहीं है, तो इसीलिए ये सब भगवान के लिए सही शब्द है और लागू होता है। क्या हुआ, अष्ट कन्या तारा जन्मी जन्मी मरे। देखो एक सीक्रेट बात, रहस्य, आठ पुत्रिया जन्म लेते ही मर जाती। चैतन्य महाप्रभु की आठ बहनें, एट सिस्टर, बड़ी जन्म लेते ही एक साल में, कोई छह महीने में, कोई तुरंत मर जाती। एक साल का तो वर्णन किसी का नहीं है, उसके पहले ही सब मर जाते। तो अष्ट कन्या जन्मी जन्मी मरे। कविराज लिखते हैं कि ये दोनों दंपति का बहुत सुंदर भक्तिमय सरल साधनामय जीवन था, लेकिन पता नहीं विधि का क्या विधान था कि अष्ट कन्या जन्मी जन्मी मरे। मैं विचार करता हूं इन लीला पर चिंतन, कि भगवान के माता पिता जो नित्य सुखमय आनंदमय अवतार के जो अंश जो पार्ट लिए हैं, उनको क्यों ये सब, जैसे देव की मैया, हम भागवत में पढ़ते सात बेटे, छह बेटे मर गए उसके आंखों के सामने, और देव की मैया दुखी है, रोई है। तो ये भगवान की लीला है, उनके अंदर कुछ रहस्य तो होगा ना, कुछ तो मैसेज होगा ना। पूरे जगत को प्रेम देने वाला अवतार जो मूल है, उनकी बहनें क्यों मर रही, बताओ।
वहां पर भी प्रश्न है कि सात बेटे क्यों मर रहे। चलो वहां तो आपने भागवत से रहस्य जाना होगा कि मरीचि के छह बेटे थे, ब्रह्मा ने श्राप दिया था, फिर वो हिरण्यकशिपु के बेटे बने और वो फिर वो है सब चक्कर वहां पर आपने सुना होगा। तो उनको काल नेमी कंस के हाथों मरना था, इसलिए वो जन्म लेते ही आता था, मार देता था। और फिर आपको भागवत पूरा अगर आपने सुना होगा संतों से तो ये भी पता होगा कि वो मरे नहीं थे असलियत में। क्या? क्योंकि भगवान देवकी ने जब बड़े होकर अपने कृष्ण से कहा कि मुझे अपने भाइयों को ला दो, तो ला दिए भगवान। जो मर गए थे वो युवान अपनी उम्र से भी बड़े और हट्टे कट्टे जवान स्ट्रॉन्ग, और छह अपने जो मरे हुए भाइयों को जिंदा करके कृष्ण लाए। बताओ ये है कृष्ण। और ये लीला को जो सही सुनता नहीं है ना वही कृष्ण में गड़बड़ करता है समझने में। कृष्ण को एक पारधी ने बाण मारा अंगूठे पर और कृष्ण मर गए। मूर्ख लोग ऐसा बोलते रहते हैं। अरे जो अपने कितने 70-50-60 जन्म वर्ष पहले मर चुके भाइयों को यमलोक से जिंदा ला सकता है, अपने गुरु पुत्र को यमलोक से जिंदा ला सकता है गुरु दक्षिणा के लिए, वो कृष्ण को एक अंगूठे पर बाण मारने पर वो मर जाएंगे। जरा सा कॉमन से जो अगर इधर गोबर नहीं भरा है ना, भेजा नाम का एक तत्व भी होगा ना, समझ जाएगा कि क्या है बात। लेकिन कलयुग में मंदा सुमंद मत है, बुद्धि है। अब अंगूठा पर बाण क्या, पूरा पैर कटने पर भी आदमी नहीं मरता। हम जैसे सामान्य जीव के पैर भी कट जाए ना फिर भी हम नहीं मरते, तो खाली अंगूठे पर बाण नगले पर कृष्ण मर जाएंगे। आप सोचो जरा क्या बात है। अरे ब्रह्मास्त्र, परीक्षित बढ़िया समझ रहे कि ब्रह्मास्त्र जिसको मारा गया उस परीक्षित को गर्भ में जिंदा करने वाला ये कृष्ण एक बाण से कैसे मरेगा। लेकिन भागवत ठीक से नहीं पढ़ते ना, अर्ध कुकुट ने आधा ज्ञान विनाश को देता है। अरे वहां भागवत में सुखदेव जी ने या व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि वो जरा नाम के पारधी को वैकुंठ से विमान आया, उसमें उसको बिठाया, भगवान ने पहले भेजा, वो रो रहा और भगवान ने, भगवान जिंदा थे, मरे नहीं वहां पर। भगवान तो उद्धव जी को भागवत कहेंगे अभी, और उसको पहले भेजा कि तू जा धाम, तेरी इच्छा थी इसमें, और ये मेरा एक स्टाइल था यहां से जाने का। लेकिन इस तरह आचार्यों से परंपरा से क्लियर बात समझते नहीं कलयुग के मंद भाग्य जीव लोग, और फिर भगवत चरणारविंद में अपराध करते रहते। इसीलिए कहा गया भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, हमेशा परंपरा में आने वाले प्रेमी भक्तों से हमें कृष्ण चरित्र सुनना है, तब गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अष्ट कन्या जन्मी जन्मी मरे। अब भगवान की बातें तो भगवान ही जानते, लेकिन साधु संत लोग भगवान का भजन चिंतन करके हृदय में जो भाव प्रकट होता रहता है उसको चरणों में वैष्णव सेवा में निवेदन करते। मैं भी इसमें सोच रहा हूं कि क्यों जन कहीं कुछ लिखा नहीं गया, इस पर कोई चिंतन नहीं। इसलिए हमें हरिनाम जप इतना नियम पूर्वक और सीरियस करना है, क्योंकि रामायण में एक चौपाई है और भागवत में भी है, जाना चाही गूढ़ गति जेहु नाम जीव जपी जान नहीं ते हो। गोस्वामी तुलसीदास ने एक सिद्धांत लिख दिया कि आप भगवत लीला के रहस्य को, सीक्रेट को जानना चाहते हो तो जाना चाही गूढ़ गति जेहु, जे ही मतलब एनीवन, जो भी गूढ़ भगवान के लीला के सीक्रेट रहस्य को जानना चाहता है, नाम जीव जपी जान नहीं ते हो। अगर जीव से आप महामंत्र जपोगे तो नाम की कृपा से भगवत लीला आपके हृदय में स्फुरित होगी। नाम जपना पड़ेगा। आप लोग जो नाम, हम लोग भक्त लोग महिमा कहते हैं नाम जपने से पाप कटेगा, नाम जपने से, अरे पाप कटे या ना कटे भाड़ में जाए मतलब ही नहीं। हमें चाहिए भगवान को समझना, शास्त्रों के रस रहस्य को समझना। जो नाम, नाम की कृपा, नाम तद रूप तद लीला तद धाम, ये चार है ना, नाम जपोगे तो रूप प्रकट होगा, नाम के बल पर लीला सामने दिखेगी, समझ में आएगी। हमारे आचार्य लोग हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, कोई भी आचार्य, रूप सना जप करते थे, लीला सामने प्रकट होती थी, लीला हृदय में प्रकट होती थी, और उनका जप जप होता था। हमारी तरह नहीं दुनिया भर के गप के साथ जप हो रहा है। इसलिए भक्तों चैतन्य संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, उनकी उपासना करनी है,
तो हमें एक ही काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं पढ़ने में सुनने में नहीं आया, लेकिन हमको जो भी हृदय में मतलब लग रहा है कि अष्ट कन्या जन्मी जन्मी मरे, इसके पीछे क्या भाव हो सकता है, तो दास निवेदन करना चाहता है आप वैष्णव चरणों में, कुछ अपराध हो तो क्षमा करें चेतन महाप्रभु उनके पार्षद। लेकिन कृष्ण लीला देव की या ये सच्ची वहां छह बेटे मरे या आठ कन्या मरी, इनके पीछे पिछली लीला को जब हम सुनते हैं तब तो रहस्य धीरे धीरे खुलता है। एक कड़ी हमको जो सूझ रही है, खुल रही है कि वहां पर देवकी के बेटे मर रहे थे, देवकी रो रही थी, दुखी है। यहाँ पर भी सच्ची माता की बेटियां मर रही है, कोई भी माँ बेटा बेटी मरेगा, दुखी होगी, रोएगी, सीधी बात है। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि संसार में रोना, मृत्यु, दुखी होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इट्स नेचुरल, यहाँ यही है, यहाँ पर यही है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंतर्गत भी आप मुझे पाना चाहते हो, मुझे मतलब आनंद को, सच्चिदानंद, मैं कौन हूं, सच्चिदानंद। तो जहां देवकी के गर्भ में जब कृष्ण आए, कृष्ण के पहले दाऊ आए, गुरु बलराम, जीवन में गुरु आएंगे और जीवन में गुरु की कृपा से गोविंद आएगा, तो आपका ये जो मृत्यु है, ये दुख है, ये रोना है, सब समाप्त हो जाएगा। देवकी आनंद में आ गई, वहां पर भागवत में वर्णन है। यहां पर भी आठ कन्या मरी, सची माता रो रही है, दुखी है। तो ये संसार का भगवान ने दिखाया कि यहाँ यही है। लेकिन आप मेरे भक्त हो तो तितिक्षव भारत, गीता में क्या बोला भगवान तीसरे अध्याय में, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नो अनित्यम तां तितिक्षव भारत। ये सुख ये दुख आगमा आएंगे और जाएंगे। आप डिवोटी हो तो नो कंप्लेन टॉलरेंट, इसको सहन करो। अगर आप भक्त हो तो भगवान अपने देवकी या अपनी माँ से या अपने सची माँ से वैष्णवों को सिखा रहे कि संसार में ऐसे मृत्यु बुढ़ापा दुख आएगा, सहन करो, रोते मत रहो, चिल्लाते मत रहो, दुखी मत रहो, कंप्लेन मत, सहन करो। और सहन करके क्या करो, मेरी शरण लो, भक्ति करोगे तो भगवान आएंगे तो आनंद हो जाए। यहां पर भी सप्तम बलदेव धाम विश्व रूप प्रकट हुए, और मतलब आठवा नौवा लड़का, और दसवें साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले। तो क्या हुआ वहां पर, जैसे वर्णन है भागवत जी में कि कृष्ण आते ही गर्भ में देवकी का शरीर चमकने लगा, तम अच्युताम भागवत जी में लिखा है, सा देवकी जगत निवासे, देवकी के उदर में पूरे जगत को अपने रोम में अटकाने वाला जगन्नाथ जब प्रकट हुआ, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, भागवत के ये सारे श्लोक आपने सुने पड़े होंगे, तो देवकी का रोम रोम आनंद में सारा दुख भूल गई। ऐसे ही सच्ची माता भी जब विश्वरूप और निमाय पंडित का जन्म होगा, सारा दुख चला जाएगा, उसका शरीर चमकने लगेगा, वो आनंद में आ जाएगा। हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमारे यहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम है, लेकिन हमारे अंदर कृष्ण प्रकट होंगे। कृष्ण प्रकट होंगे मतलब कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण का प्रसाद और कृष्ण भक्तों की कथा। जब हम उसके अंतर्गत रहेंगे तो जन्म मृत्यु में रहते हुए भी हम सच्चिदानंद अपने स्वरूप को, आनंद को प्राप्त करते रहेंगे, गोलोक वृंदावन को फील करते रहेंगे और वहां को प्राप्त कर लेंगे। ये साधना में परिपाटी, मैं फिर भी एक, मैं आप लोगों को केवल एक बैलेंस दे रहा हूं, एक विचार जो सूझा। फिर भी प्रश्न तो बना है कि आठ कन्या कौन थी, क्यों मर गई, क्या इसके पीछे रहस्य है। मैं ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए, और ढूंढने के दो काम करते रहिए, महाप्रसाद खाइए और महामंत्र जपिए, और जिस भक्त के हृदय में ये उत्तर मिले हमें फोन करें। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे। ओके, तो वर्णन है ये सुनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो प्रश्न बन रहा है, एक आश्वासन हमने जरूर दिया
कि भगवान भक्तों को टॉलरेंट करने को कह रहे और ये दुनिया का नियम है बता रहे, और फिर मैं आऊंगा तो आनंद हो जाएगा, ये लीला से हमें सब मैसेज तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी रहस्य बना हुआ है। तो हमें हमारे जीवन को इतना साधना में स्ट्रॉन्ग करना है वैष्णव सेवा करके कि भागवत के रहस्य, दिव्य ज्ञान, हृदय, सब बातें बुक से नहीं सुनने मिलेगी, सब बातें किसी से सुनने, ये प्रकट होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने जितना भी ग्रंथ लिखा, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, वो सब प्रकट हुआ है परंपरा से, कृपा से, और हम उसी परंपरा में हम भी प्रयास करें कृपा प्राप्त करने का। केवल गाते न रहे दिव्य ज्ञान दिते प्रकाशित, गाना जरूरी है, ये साधना है, लेकिन कैसे प्रकट होगा इसके लिए फॉर्मूला ढूंढे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इसी के लिए ये कथाएं है, इसी के लिए ये सत्संग है, इसी के लिए प्रभुपाद ने नित्यम भागवत सेवया ये स्वाध्याय, ये अध्ययन, ये क्लास सिस्टम फॉलो किया है हम लोगों के। एनीवे हम पावन हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के माताजी के विषय में सुन के कि आठ कन्या जन्मी जन्मी मरे और फिर तब तबे पुत्र जन्मिल विश्वरूप नाम, फिर विश्वरूप नाम का बेटा हुआ, उसको बड़ा सुख मिला, आनंद मिला, इसका मृत्यु नहीं हुआ। कैसे होगा बोले महागुणवान थे वो बलदेव धाम, तो साक्षात बलदेव के स्वरूप धाम थे, उनके अंश है, तो वो तो बड़े गुणवान थे। फिर क्या हुआ, 1406 शेष माघ मासे, माघ का महीना था 1406 साल लिखा गया है, जगन्नाथ शरीर देहे कृष्णेर प्रवेशे। क्या बात है, जगन्नाथ मिश्र के हृदय में शरीर में कृष्ण प्रवेश किए। अच्छा, अंतर्यामी रूप में परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में है, तो जगन्नाथ मिश्र के हृदय में भी परमात्मा रूप में है स्टिल, फिर भी मूल कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन से अपने शक्ति, अपने अंश, अपने प्रभाव पूर्णता के साथ जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट हुए। अब ये हमारी स्थूल जड़ बुद्धि से समझ में आने वाली भी बात नहीं है कि हाउ कैन, कैसे, एक तो परमात्मा ही समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि हृदय में परमात्मा रहता है, कैसे रहता है परमात्मा, कैसा है, अरे परमात्मा की आत्मा का भी हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे है, बाल के छोटे से अग्रभाग उपनिषद कह दिया, अभी कैसा है समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसमें परमात्मा कैसे पल्ले पड़ेगा भक्तों, हमें वो पल्ले इतना पढ़ना भी नहीं है, भगवान को जब पढ़वाना तो पढ़े, हम लोग महामंत्र जपे, महाप्रसाद खाते रहे और श्रवण कीर्तन करते रहे, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं देने का, ओके चिंता नहीं करना है हमको। समय आने पर गुरु वैष्णव कृपा से जब हम साधना परिपक्व होंगे ये हमें प्रकट होगा, ये इनकी चिंता है, वैष्णव की, गुरु की, भगवान की, हमारा काम है उनकी आज्ञा को माननी, हमारा क्या करना है वो जाने, लेकिन हम लोग उसका जॉब ले लेते हैं और हमारा जॉब करते नहीं सेवा साधन, ओके, इसलिए हम दोनों जगह से वंचित रह जाते। तो मैं समय में जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, लेकिन चिंतन करिए, हाँ कैसे हो, ये बहाने भगवान का स्मरण होगा, विश्वरूप का, सची माता का, ये स्मरण अच्छा है, चिंतन अच्छा है, लेकिन वो चिंतन चिंता में नहीं रखना है कि जवाब मिले ही मिले ना न हो, हमें कीर्तन करना है, हमें प्रसाद खाना है, हमें वैष्णव की सेवा करनी है, भगवान की जब इच्छा होगी प्रकट, भगवान तो अपने पार्षद बलराम जी को भी एक साल तक चक्कर में रखा, बलराम आप सुना है ना भागवत में वो ब्रह्मा जी की लीला, उनको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम किस खेत की मुट्ठी, भगवान के ऊपर छोड़ दो, हमें कितना क्या समझाना है वो देखे, हमें तो भजन करना है, हमें तो सेवा करनी है, ये हमारा जॉब है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे लिए आज्ञा है, जस्ट फॉलो इट, तो अपना काम किए जा, वो अपना काम करेगा, हम हमारा काम करें, भगवान अपना काम करेंगे, हमें भगवान का काम हाथ में थोड़ी लेना है, उनका लेंगे तो चिंता बढ़ेगी, अपना करोगे तो चिंतन होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ भक्तों, यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि जगन्नाथ और सची के उदर में कृष्ण का साक्षात प्रवेश हुआ।
तब क्या हुआ देखो अभी उनकी इन दोनों की चर्चा सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा एंट्री मिलेगा हमें इस लीला में। मिश्र कहे सची स्थाने देखी अन्य रीत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि सुनो सची, मतलब अपनी पत्नी को कहा कि हे सची देवी मैं तुमको एक बात सुनाता हूं, मैंने एक अद्भुत अलौकिक अन्य जो कभी देखा नहीं ऐसा सीन, ऐसा दृश्य देखा। क्या देखा? बोले ज्योतिर्मय देह, एक दिव्य चमकता हुआ कोई स्वरूप। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित, जो जो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि तुम्हारा ये जो शरीर है ना सची देवी एकदम ज्योतिर्मय चमक रहा है और साक्षात सौंदर्य लक्ष्मी जैसा तुम्हारा सौंदर्य बढ़ रहा है, मतलब शादी के समय आप जो थी उससे भी बढ़िया लग रही हो, तेज बढ़ गया आपके शरीर में, चमक बढ़ गई है, सौंदर्य बढ़ गया है। और क्या कहूं जगन्नाथ मिश्र कह रहे जहां तहां सर्वलोक कर ये सम्मान, मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं कि आप सब पूरे ब्रह्मांड से देवता ऋषि मुनि सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, जय सची माता जय सची, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारा तुम्हारा रिस्पेक्ट ऑनर आदर कर रहे हैं तुम्हारा। और घरे पठाइया देय वस्त्र धन, और मैं ये भी देख रहा हूं कि सारे ब्रह्मांड के देवता नदी समुद्र सब मूर्तिमान हो गए और ऋषि मुनि हमारे घर में आ रहे हैं और कोई कोई वस्त्र ला रहा है, कोई सोना ला रहा है, कोई चांदी, कोई सब भेंट ले लेके हमारे घर आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। सची कहे मुई देखी आकाश परे, हे नाथ आप ऐसा बोल रहे हो ना तो मैं भी अपनी एक दिल की बात बोलू क्या, मैं जब रात में सोती हूं ना तो मैं ऊपर ऐसे हम लोग ऊपर दृष्टि नभो दृष्टि हो ही जाती है आकाश में, तो मैं जैसे ही सोती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आकाश के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए चमकते शरीर वाले देवता दिव्य मूर्ति लोक आसी स्तुति कर रहे है ना, हाथ जोड़ के मेरी स्तुति कर रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है लेकिन इतने चमक रहे हैं ये आकाश के देवता लगते हैं हमको, दिव्य मूर्ति यह सब होती है और बड़े बड़े संस्कृत के स्तोत्र में हमारे और प्रणाम करते हुए हमारी स्तुतियां करते रहते। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्ने जे देखिला ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशिला। तो अभी मैं और तुमको एक बात बताऊं जगन्नाथ मिश्र ने, मैं तो यहां तक देखा कि एक दिव्य सुवर्ण मूर्ति स्वरूप मेरे हृदय में घुस गया, मेरे अंदर प्रवेश कर गया। अमर हृदय है ते तुमार हृदय, और मैं जब तुमसे बात करता हूं तुम्हारे साथ आता हूं तुम्हारे संग में तुम्हारे पास, तो वो दिव्य शरीर जो मैं फील करता हूं कि मेरे अंदर कोई स्वरूप सौंदर्य मूर्तिमान होकर अंदर जा रहा है, वो मेरे हृदय से वो प्रकाश तुम्हारे हृदय में जा रहा है। सची माता वो नहीं देख रही, वो तो आकाश की देव, लेकिन पहले मैं देख रहा हूं कि मेरे हृदय से ये न बुझी जन्मे कौन महाशय। सची मैं अपनी तप के बल पर कह रहा हूं, मेरे अंदर से ये आ रहा है कि कोई दिव्य अवतार तुम्हारे द्वारा होने वाला है। देखो ये पति पत्नी की बात है, इस तरह ये हमारे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 13वें अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं, कोई बाहर से नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन हम भक्त लोग क्या करते हैं, वहम में कि सब जानते हैं, लेकिन जब एक एक श्लोक पढ़ोगे इस पर विचार करोगे तो बहुत सारा रहस्य बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा कृपा प्रेम भी हमें प्राप्त होता है। ये संवाद सची का और जगन्नाथ मिश्र का बहुत कम लोगों को पता है कि ये दोनों इस तरह बातें, ऐसा ही भागवत में भी है, नंद महाराज और यशोदा का ये संवाद और ये ग्रंथ आनंद वृंदावन चंपू में इसका वर्णन, इस तरह स्वप्न में आना ये दोनों बात करना। बोले कई दिनों से मेरे अंदर वो जो कन्याएं मरी थी दुख था याद ही नहीं आ रहा, परम सुख चारों ओर से आनंद रोम रोम में प्रस्फुटित हो रहा है। अब देखो ये तो बलि दुई रहे हर्षित हैया, कविराज जी लिखते हैं कि ऐसा दोनों बातें करते हुए आनंद में आ गए और शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया अपने घर में। अब देखो ये एक सीक्रेट मिलना जानने को, सची माता जगन्नाथ मिश्र योग पीठ चैतन्य बर्थ प्लेस आप गए होंगे, वहां शालिग्राम की सेवा करते थे, गंडकी नदी में साक्षात विष्णु जी जो प्रकट होते रहते शालिग्राम स्वरूप में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, उसमें कृष्ण भगवान विष्णु नित्य स्थित है शालिग्राम।
तो शालिग्राम भगवान उसके मंदिर में अल्टर में थे, घर में जैसे गृहस्थों का मंदिर हो, उसकी अर्चन विधि मतलब उसको भोजन लगाना, 3 टाइम पूजा करना, उसका अभिषेक करके चंदन से तुलसी पत्र देना, भाव से प्रेम से विशेष करने लगे। इस तरह का स्वप्न और इस तरह का दृश्य जब उसको प्रकट हुआ तो भगवान की कृपा मानकर वे लोग पूजा में विशेषता मतलब भाव समय सब ज्यादा देने लगे। अब ये तो हो गई लीला। अभी मैं आप भक्तों को भागवत से गौर गोविंद लीला सुनये गलये शीला, हमने कहा था ना कविराज जी के विषय में क्या लिखा था वृंदावन प्रेम भक्ति का आचार्य नरोत्तम महाराज कि गौर और गोविंद की लीला मिक्स करनी, गौर गोविंद करोगे तो ये स्वीट राइस हो जाएगा। गौर गोविंद लीला सुनये गलये शीला, पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाएगा, क्योंकि लीला भी सुननी है तत्व भी सुनना है। हम लोग जैसे यहाँ पर कह रहे कि मेरे हृदय में कोई मूर्ति प्रकाश हुआ, तुम्हारे हृदय में जाते हुए मैंने देखा, भागवत में भी तो यही वर्णन है, आनक दुंदुभ के मन में भगवान प्रवेश किए। सुखदेव जी ने वहां पर लिखा है भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे, भागवत 10:16 सुखदेव जी ने क्या लिखा है वहां कृष्ण जन्म में कि भगवान अपि विश्वात्मा जो सारे विश्व के आत्मा है वो भगवान षटेश्वर पूर्ण क्या किए अपने अंश के साथ कंप्लीटली आनक दुंदुबे, वसुदेव का नाम है आनक दुंदुबे, सबको पता होना चाहिए वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने आनक ढोल नगाड़ा सब बजाया फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि उसको तो ब्रह्मा जी को पता था, देवताओं को ब्रह्मा जी स्तुति में कहे थे ना समुद्र सत्य गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवता सुनो वसुदेव घर भगवान जन्म लेंगे, तुम यदुकुल में जन्म ले लो, तो देवता जानते थे, तो वो देवता जब वसुदेव का जन्म हुआ तो खुश हो गए, क्यों, क्योंकि इनके यहाँ जो बेटा होगा वो भगवान होगा और हमें अत्याचार से मुक्त कराएगा कंस के असुरों को। सब देवताओं ने आकाश से ढोल नगाड़ा बजाया था, इसलिए वसुदेव का नाम था आनक दुंदुभि। आनक मतलब वो आधा नगाड़ा होता है ना जो बजाया जाता है, और दुंदु भी वो जो गोलाकार वो जो राजाओं के एंट्री में जो बजता रहता है शहनाई टाइप का, उसको दुंदु भी कहते हैं। ये तो दो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, तो आनक और दुंदु भी ये विशेष करके देवता लोग बजाए थे, तो हमारे महाराष्ट्र में ये चलता है गणपति, तो ये आनक दुंदु भी नाम है वसुदेव का। तो आनक दुंदु भी के मन में भगवान पूर्ण रूप से प्रवेश कर गए ऐसा भागवत में लिखा है। जैसे यहाँ जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं उसकी टीका में श्रीधर स्वामी एक बात लिखते हैं, सुनिए ध्यान से, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता को याद रखिए, द्रौपदी कहते थे सबसे बेस्ट श्लोक गीता का यही, हम लोग बात करते सार श्लोक है सर्वधर्मान सब सार है, लेकिन सार का भी सार ये श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम, कैसे हो तो एक अलग व्याख्या हो जाएगी जो भी हो, लेकिन है मान लीजिए। अभी श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ता हूं, देखो क्या लिखते हैं, श्रीधर स्वामी कृत भावाद्दीपिका, मन आविवेश मनस्य आविर्भूव आविर्बभूव जीवानाम इव न धातु संबंध इति अर्थ। श्रीधर स्वामी ने लिखा कि यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण वसुदेव के मन में आए और वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में गए, सिमिलरली सेम यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आए और तुम्हारे हृदय में गए, तो क्या लिख रहे हैं, मन आविर्भूव भगवान सच्चिदानंद है दिव्य है मन में प्रकट हो गए, न जीवानाम इव धातु संबंध, जैसे स्त्री पुरुष का वीर्य और रज्र मिलता है मैथुन होता है ऐसे जन्म नहीं है। That's the point. जैसे मनुष्य लोगों का हाड़ चर्म का मिलन होता है और वो एक सप्त धातु में से एक धातु जिसको वीर्य कहते हैं और उस स्त्री के रस से मिलता है और एक प्राकृत बॉडी बनता है हम भौतिक देह वाले जीवों का, ऐसा भगवान का जन्म नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका और एक सीक्रेट मीनिंग क्या होगा कि जगन्नाथ मिश्र सॉरी यहां पर वसुदेव और देवकी भी ट्रांसेंडेंटल है,
वो भी सच्चिदानंद हमारी तरह भौतिक शरीर वाले नहीं है, क्योंकि भौतिकता में सच्चिदानंद प्रकट ही नहीं होता। अगर सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण प्रकट हो रहे हैं तो उसका ये प्रकट होने का स्थान अर्थात वसुदेव का शरीर या देवकी का शरीर वो भी धाम हो गया। तो भगवान दिव्य है तो उनका धाम भी दिव्य है। तो भगवान सच्चिदानंद है तो उनके माता पिता भी सच्चिदानंद है, और अगर वो माता पिता सच्चिदानंद ट्रांसेंडेंटल है तो भौतिक क्रियाकलाप जैसे यहाँ मैथुन आदि होता है ऐसे नहीं होता। ये है भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो स्पष्ट लिख रहे न धातु ना जीवानाम संबंध ही वह जीव लोग जैसे भोग करते रहते हैं ऐसे देवकी वसुदेव का नहीं है, और ना तो यहाँ जगन्नाथ मिश्र और सची देवी का, ये सब दिव्य है, परम पवित्र है, चिन्मय है भगवान की ये सुंदर लीला। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता भी नित्य माता पिता और सच्चिदानंद है, इसको भौतिक समझने की भूल ना करे भक्तों। और भगवान चैतन्य का या कृष्ण का जन्म भी सामान्य जीवों की तरह कर्म भोगते हुए प्राकृत शरीर नहीं है, ये इनके माता पिता के वर्णन से भी पता चल जाता है। तो आज इतना ही, हमने चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी नहीं कराया लेकिन उसके माता पिता, उसका मिलन, उसकी चर्चा की बात हमने की है। और एक बात है कि इस तरह सची माता के गर्भ में चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, सची गर्भ सिंधु हरिंदु, ये जो श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण के 14 श्लोक आप लोग याद करिएगा। आप सबको एक लेसन देता हूँ, आज्ञा नहीं देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस बार की गौर पूर्णिमा के उपलक्ष में चैतन्य चरितामृत के फर्स्ट आदि आदि लीला मतलब फर्स्ट पार्ट, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसके 14 श्लोक याद करना है गौर पूर्णिमा में, पूरी गौर पूर्णिमा के बाद, या क्योंकि ये 14 श्लोक जो है 14 मंगलाचरण, चैतन्य चरितामृत का क्या है मंगलाचरण, जिसमें 5 श्लोक 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु की स्तुति है, 4 श्लोक नित्यानंद प्रभु की, 2 अद्वैत आचार्य की, 1 पंच तत्व की, बस। तो ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पंच तत्व को प्रणाम है 14 श्लोकों में मंगलाचरण। सब भक्तों को प्रभुपाद ने उसका शब्दार्थ दिया है अपने ग्रंथों में चैतन्य, उसका ट्रांसलेशन दिया है, परपट दिया है, उसको पढ़िए तो बेस्ट, लेकिन कम से कम ट्रांसलेशन और श्लोक पढ़िए, याद करिए। अभी इतना करिए कि रोज सुबह होते ही आप लोग ये श्लोक बोलेंगे 14 को मंगलाचरण के, 7 दिन बोलेंगे, 8 दिन कम से कम गौर पूर्णिमा तक, मुझे आशा है कि 10-15 में 5-10 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, तो फिर आप जब शब्द आएगा तब समझ पाओगे। उन श्लोकों में आया है सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता का गर्भ मानो एक समुद्र है और उसमें हरि इंदु मतलब श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र प्रकट हुआ है। जैसे समुद्र से चंद्रमा निकलता है ऐसे सची माता के गर्भ से ये चैतन्य चंद्र निकला है, ऐसा एक श्लोक में वहां पर शब्द भाव है। तो अभी हम क्या सुन, अभी हमारी चैतन्य भागवत कथा कहाँ तक पहुंची, चैतन्य महाप्रभु सची माता के उदर में है, सच्चिदानंद है, आनंद ले रहे, देवता स्तुति कर रहे हैं, और ये दोनों पति पत्नी प्रसन्न है। हरे कृष्ण, आप भी प्रसन्न रहिए। जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुंदर भाव, अति सुंदर जो आविर्भाव का आप वर्णन करने जा रहे हैं, भगवान का गोल्डन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, वो